मैं ईसाइक आचार्य हबीब खान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे पद संख्या 131 से लगा के 140 तक का। 131वां पद है, पंथी एक संदेश डौ लग ढोलई पेचाई, जोबन खीर समुद हुई, रतन ज काढ़ई आई। हे पंथी, एक संदेशा ढोला तक पहुंचा देना कि मारवणी युवती होकर परिपक्व हो गई है, उसका यौवन क्षीर सागर के समान हो रहा है, तुम आकर मंथन कर रत्नों की प्राप्ति करो। अगला पद, पंथी एक संदेश डई लग ढोलई पहचाई, जंगा केरणी फड़ी गई, स्वात जो वर्षों आई। हे पंथी, एक संदेशा डोला तक पहुंचा देना कि मारवणी युवती होकर परिपक्व हो गई है, जंगा केले के तने के समान पुष्ट हो गई है, तुम आकर स्वाति जल समान बरसो। 133वां पद, पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलन ढोलई पहचाई, सावज संबल तोड़ सही, वे शासन ने जाए। हे पंथी, एक संदेशा ढोला तक पहुंचा देना कि मारवणी का यौवन रूपी हिंसक पशु, सावज शब्द है वो स्वापद से मना है, अब धैर्य रूपी सांकड़ जो श्रृंखला संकड़ से तोड़ देगा, बंधा नहीं रहेगा, अब वह विश्वास दिलाकर शांत नहीं रखा जा सकता, अतएव तुम आ जाओ। भाव यह है कि अब इसका धैर्य जवाब दे गया है, अब धैर्य रूपी सांकड़ को तोड़ देगा, बंधा नहीं रहेगा, अब वह विश्वास दिलाकर शांत नहीं रखा जा सकता, इसलिए तुम आ जाओ। 134वां पद, पंथी एक संदेश रहू लग ढोलई पेचाई, जोबन जाई प्राणु वेमरऊ घराय। हे पंथी, एक संदेशा ढोला तक पहुंचा देना कि मारवणी का यौन रूपी पाहुना चला जा रहा है, क्योंकि पाहुना अधिक दिन तक नहीं ठहरता है, तुम शीघ्र घर आ जाओ। वेग शब्द वेगरऊ यानी शीघ्रता से, तो भाव ये हुआ कि यौन रूपी पावना कुछ ही दिन का है और ये जब चला जाएगा तो फिर आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा है, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ। ये सब मारवणी के जो संदेश है वो ढोला तक पहुंचाने के लिए है, ताकि वो उसे लिवाने के लिए जल्दी आ जाए। 135वां पद, पही बमंतउ जय मिला, कहे हमनी बात अमहनी बात, धन कणेरी कंब जऊ ज्यों सूखी तोई सूरत। हे पथिक, तुम्हें भ्रमण करते हुए जो डोला मिल जाए या उनसे भेंट हो जाए, तो उनसे अमहनी का मतलब होता है हमारी बात कहना, कि मारवणी प्रियसी यानी आपकी प्रियसी कनेर लाल पुष्प की जो झाड़ होती है कनेर की छड़ी की भांति तुम्हारी याद में सूख गई है, फिर भी वह तुम्हें अनुरक्त है, इसलिए तुम आ जाओ। अगला पद 136, पंथी एक संदेश रहू कही जाऊ सात सलाम, पंथी एक संदेश रहू कही जाऊ सात सलाम, जब थी हम तुम बिछड़े नयने नींद हराम। मारवणी कहती है पति को कि हे पंथी, प्रियतम को सात बार सलाम करके कहना। सात बार सलाम करने का मतलब है बहुत विनम्रता के साथ उनको समझाना ये बात, ताकि उनके जहन में पूरी बात बैठ जाए कि जब से हम का मतलब मारू
और तुम का मतलब ढोला भी छुड़े हैं, नेत्रों में नींद नहीं आई। अब इसकी कई तरह से व्याख्या हो सकती है कि नेत्रों में नींद नहीं आई। आगे नयने नींद हराम का मतलब होता है कि आंखों ने नींद को हराम समझा है। हराम का मतलब होता है वह चीज़ जो धार्मिक दर्शन के हिसाब से अवैध हो गई या जिसको मना कर दिया गया धर्म धर्मशास्त्रों के अंदर। तो मारू कहती है कि नींद को मैं हराम मानती हूँ, यानी नींद मुझे आपसे बिछुड़ने के बाद आई नहीं है और मैंने नींद को अपने ऊपर हराम कर लिया है, मैंने नींद ली नहीं है। तो पूरे पद का मतलब ये हुआ कि हे पंथी, प्रियतम को बड़ी विनम्रता के साथ यानी साथ सलाम करते हुए कहना कि जब से मारू और आप बिछुड़े हो तब से उनकी आंखों में नींद ही नहीं आई है, या मारू ने अपने ऊपर नींद हराम कर रखी है, यानी नींद वह तभी लेगी जब आप उसे मिलोगे, आप उसे मिलने जाओगे लेने जाओगे तभी वो नींद लेगी। आगे वाला पद, पंथी हाथ संदेश डो धन बिललंती दे पक्षियों का डई लीटी उर आंसुआ भरे। विलाप करती हुई मारवणी पथिक के साथ संदेश भेजती है, पैर से धरती पर लकीरें बनाती है और हृदय आंसुओं से भरा हुआ है। वीरह का अनुभव का मार्मिक वर्णन है इस पद में। धरती पर पैर से लकीर बनाना उसके अंतर्द्वंद का सूचक है। हृदय की कसमसाट और पीड़ा मारवणी के रूप में साकार हो रही है। बिललंती यानी बिलखना, इस शब्द में व्याकुलता है, पीड़ा है और विलाप सभी समाहित है। ऐसी स्थिति में मारवणी का ये कहना, कहना कुछ चाहती है लेकिन कह नहीं पाती, शायद हो सकता है कि लज्जावश और भाव वेग में भी वो जो कहना चाह रही है वो कह नहीं पा रही है, इसलिए वो पैरों से लीटी निकालती है और जाने वाले पथिक से विलाप करती हुई कहती रहती है। उसका दिल है वो आंसुओं से भरा हुआ है और शर्म के मारे लज्जावश वो पैरों में लेटी निकाल रही है, ऐसा उसका अंतर्द्वंद मन में चल रहा है। आगे वाला पद 138, डोला डेली हर किया मुक्या मने बिसारी संदेश हण पाठवी जीवा किसी अदारी। मारवणी संदेश भेजती हुई डोला से कह रही है कि ढीली हर किया, कि लगता है कि हर को ढीला कर दिया यानी प्रेम को शिथिल कर दिया है, याद आती नहीं है, प्रेम खत्म हो गया है। मुख्या मैंने बिसारी, और मुझे तो अब लगने लग गया है कि मुझे मन से ही बिसार दिया है, मन से ही भूल गए हो, मन से छोड़ दिया है, मन में याद करते ही नहीं हो, इसलिए शायद हर वो ढीली हो गई है, हर वो कमजोर हो गई है, शिथिल हो गई है। संदेश रहो उन पाठिनों पाठ वही जीवा किसी अदारी, त्याग दिया है, संदेश भी नहीं भेजते हो, संदेश हो हन पाठ वही संदेश भी नहीं भेजते हो, अब किस आधार पर जिया जा सकता है, किस जीवा किसी आधारी, अब जीने का तो कोई आधार ही नहीं बचा। एक तो मन से प्रेम ढीला हो गया, मन से बिसारने पर लगता है कि प्यार भी कम हो गया है, और संदेश भेजते नहीं हो, तो संदेश भेजना ही तो एक जीवन का आधार था, वो भी खत्म हो गया है। तो हे डोला तुम अब आ जाओ भाविये है।
139वां पद, डोला ढील हर मुझ दियो घणो जने चोड़ वरने कपड़े सावर घणाने। ढीली हर का मतलब होता है विशिष्ट योजना के लिए प्रयुक्त शब्द है, जिसका अर्थ है मुझे मन से ढील दिया, ढीला कर दिया, खिसका दिया। इस अर्थ में इसकी पुष्टि मुख्या मन विसारी से भी होती है, ये समानार्थी शब्द है। आगे वाले पद में, हे डोला मुझे मन से दूर करने का गहरे लाल रंग के कपड़े में दूसरी स्त्री को लाते हुए बहुत से लोगों ने देखा है, इसलिए शायद मुझे लगता है कि मन मुख्या मन विसारी वाली बात यहाँ इसलिए हो रही है कि शायद हो सकता है कि दूसरी औरत आ जाने के कारण से मुझे मन से विसार दिया, इसलिए मेरी प्रीत भी कम हो गई है और संदेश अभी नहीं आता है। ऊपर वाले पद की जो बात है वो यहाँ आगे वाले पद में दोहराई जा रही है कि डोला ढीली हर मुझे, मेरे पर प्रेम का जो प्रीत का जो बंधन था वो ढीला इसलिए हो गया कि दिठो घणो जने बहुत से लोगों ने देखा है, चोल वरने कपड़े लाल कलर के चोल कलर के कपड़े पहने हुए आपको बहुत से लोगों ने देखा है। सावर धन अणे, सावर का मतलब होता है अपने अनुरूप वर के अनुरूप वधु, और पुराने जमाने में ऐसा माना जाता है कि दूल्हा है वो लाल कलर चोल कलर के कपड़े पहनता था, तो इस बात को कई लोगों ने देखा है कि सावर घराने और अपने अनुरूप बहुत ही सुंदर औरत लेके आ गए हो, इसलिए शायद मेरा मन से आपने विसार दिया है और मेरी प्रेम मुझ में कम हो गया है। तो पूरा पद का अर्थ हुआ कि हे डोला मुझे मन से दूर कर गहरे लाल रंग के कपड़ों में दूसरी स्त्री को लाते हुए बहुत से लोगों ने देखा है। डॉक्टर शंभू सिंह ने चोल वरने कपड़े दूल्हे के कपड़े माने उस जमाने में जिस वक्त ये डोला का जमाना रहा होगा। सावर का मतलब होता है अपने अनुरूप वर जो मजीठे रंग के कपड़े पहन करके उसे ब्याह करके लाए थे, ये बहुत से लोगों ने देखा, इसलिए यहाँ मारवणी कह रही है कि उस बात को आपको चोर वरने कपड़े बहुत से लोगों ने देखा और तलाते बहुत से लोगों ने देखा, इसलिए शायद लगता है कि मेरा प्रेम है वो कम हो गया है। आगे वाला पद देखिए आप, कागज नहीं कमस नहीं न लेखन हार संदेशा ही न आविया जीणु किसी आधार। ये पद भी वैसा ही है कि जीने का आधार क्या है, कागज नहीं है, स्याही नहीं है और लिखने वाला नहीं है। संदेशा तो भाई कोई लिखेगा जब होगा ना, न उनके पास कागज है न स्याही है न लिखने वाला है न के लेखनहार। संदेशा ही न आविया, संदेशा ही नाविया जीवों किसी आधार। हे डोला जब संदेशा ही नहीं आता है तो जीने का तो कोई आधार ही नहीं बचा, तो जीने का आधार केवल संदेशा ही तो था और वो भी आना बंद हो गया। संदेशा न पाठ हुआ जीवों किसी आधार, वही बात यहाँ दोहराई गई है। तो ऊपर वाले पदों में यदि इनकी समीक्षा की जाए, इनका पूरा किया जाए, विवेचन किया जाए, तो एक बात साफ निकल करके आती है कि डोला के पास भेजे जाने वाले संदेशों में मारवणी ने अपने यौवन का लालच दिया है। वो हर पद के अंदर यही बता रही है कि उसका यौवन है वो क्षीर सागर की भांति हो गया है, वो एक युवती बन गई है, उसकी जंगा केले के तने के समान
पुष्ट हो गई है। ये सब बातें ढोला को इसलिए बताई जा रही है ताकि उसके मन में उसके यौवन का लावण्य पैदा हो जाए। और आगे वाले पदों में वो ये भी बता रही है कि उसका यौवन है वो हिंसक पशु की भांति हो गया है, वो अब बांध करके नहीं रखा जा सकता, उसको विश्वास दिलाया नहीं जा सकता। आगे फिर वो ढोला को ये भी समझा रही है कि ये यौवन है वो पावने की भांति है, मेहमान की भांति है, 4 दिन रहता है यानी बहुत कम समय के लिए रहता है, फिर चला जाता है। ऐसा नहीं हो कि यौवन रूपी पावना चला जाए और आप बाद में आओ। कनेर की बेल की भांति अपनी स्थिति का संदेश भेज करके वो ये दिखा रही है कि वो वीरमी कनेर की बेल की भांति पतली हो गई है, वीरमी छड़े की भांति हो जाने के कारण से वो उनकी याद में सूख गई है, फिर भी वो उनमें अनुरक्त है, ये बात है, इसलिए शायद उनके मन में प्रेम पैदा हो और वो आ जाए। आगे वाले पदों में वो अपने आप पर नींद हराम करने की बात कर रही है, फिर बिलखती हुई भी संदेश भेज रही है और फिर ढोला को उलाने के रूप में कह रही है कि उसने उसकी हर को उसके प्रेम को शिथिल कर दिया है, लगता है कि उसको भुला दिया है, फिर संदेशा भी वो नहीं भेजता है। तो संदेश नहीं भेजने पर फिर जीने का तो कोई आधार बचता भी नहीं है और इस हर को ढीली होने का कारण भी वो आगे वर्णन कर देती है कि लाल कलर के कपड़े, दूल्हे के कपड़े पहने हुए लोगों ने आपको सुंदर दूसरी स्त्री को लाते हुए देखा है, इसलिए शायद अपने अनुरूप स्त्री पा करके आप मुझे भूल गए हो और मजिठे कदर के जो कपड़े, मजिठे रंग के जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, लोग इसकी गवाही दे रहे हैं कि आपने दूसरी शादी कर ली है, इसीलिए शायद मेरा प्रेम आप में कम हो गया है। और उसके बाद में उलाने के रूप में उनको लिखा रही है कि कागज़ आपके पास नहीं है, स्याही भी नहीं है और लिखने वाले भी आपके पास नहीं है और संदेश मेरे पास आते नहीं है, तो मेरे जीने का कोई आधार नहीं है। ऐसा कह करके वो ढोला के मन में अनुरक्ति प्रेम जगाना चाहती है, शायद ऐसा करने से वो ढोला उनको लिवाने के लिए आ जाए। जाने वाले पथिकों के साथ मारुणी इस प्रकार के संदेश भेजती है। आज इतना ही, धन्यवाद।